डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, आई एम कंटिन्यूइंग माई लेक्चर ऑन योर चैप्टर नंबर 13, मोशन एंड टाइम ऑफ योर साइंस बुक. टुडे आई एक्सप्लेन यू अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है. डज अ स्कूल बस ट्रेवल एट कॉन्स्टेंट स्पीड एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, इट्स स्पीड इज जीरो, इट स्लोली पिक्स अप स्पीड और एक्सलरेट्स. As it near a bus stop, it slows down and come to a stop. Once it has dropped the children, it again start moving and picks up the speed. Thus, the bus didn't travel at the same speed throughout the journey. Sometimes it covered more distance in certain time and sometimes it covered less distance in certain time, same time. The motion of the bus in such cases is said to be non-uniform motion. देखो, आप स्कूल बस में अगर ट्रैवल करते हो या आप वैसे भी किसी भी बस पे जाते हो, ठीक है, आप घूमने के लिए जा रहे हो, आप बस पे बैठे हो, आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, जिस टाइम आप बस पे बैठते हैं सारे के सारे पैसेंजर, उस टाइम जो होता है वो बस की स्पीड ज़ीरो होती है. धीरे धीरे वो स्पीड पिकअप करती है बस, और एक्सलरेट का मतलब स्पीड को पिकअप करना है, ठीक है, धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है. फिर उसके बाद बीच में जो है, अगर खुली रोड है, ओपन रोड है, कोई ज़्यादा क्राउड वगैरह नहीं है, तो वो स्पीड पकड़ेगी. कहीं क्राउड आया तो स्लो डाउन हो जाएगी. अब जहाँ पर उसे स्टॉप होना है बस को, जहाँ पर रुकना है, वहाँ पर भी वो पहले स्लो डाउन होगी और फिर कम टू स्टॉप करेगी, ठीक है. इस तरह से जैसे बस स्टॉप का ही बताया हुआ है, मतलब स्कूल चिल्ड्रन का ही बताया हुआ है, वंस इट हैज़ ड्रॉप चिल्ड्रन इट अगेन स्टार्ट मूविंग एंड पिक्स अप स्पीड. उसके बाद बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद फिर से ये वापस जाना है, फिर से वो स्पीड पकड़ेगी. तो इस तरह से सेम स्पीड जो है वो थ्रू आउट द जर्नी पॉसिबल नहीं हो सकती. कभी तो ये कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है, या फिर एक सर्टन टाइम है तो उसमें अगर उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, और कई बार उसी सेम टाइम में ही वो लेस डिस्टेंस कवर करेगी. तो इस तरह से जब बस की स्पीड कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी स्टॉप कर रही है, कभी एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर रही है, कभी स्पीड अप हो रही है, इट मींस इट इज़ चेंजिंग स्पीड रेगुलरली, ठीक है. सर्टन टाइम में वो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है. कभी तो 15 मिनट में उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, अगले 15 मिनट में उसने बहुत कम डिस्टेंस कवर किया. तो इस तरह से वो सर्टन टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है. तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है आपका. व्हेन ए मूविंग बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म. इन दिस कंडीशन इट्स स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म. अब अगर कोई भी बॉडी जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है, तो उस मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कंसिडर करते हैं, ठीक है. एंड एट दिस टाइम इट्स स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म. उस टाइम इसकी स्पीड को भी हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं. मतलब द बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज इट इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जब हमारी मूविंग बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, तो उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जैसे एक घंटे में कार ने 10 किलोमीटर कवर किए, अगले घंटे में उसने 12 किलोमीटर कवर किए, उससे अगले घंटे में उसने 13 किलोमीटर कवर किए. तो एक घंटे की बात कर रही हूँ ना, मतलब इक्वल इंटरवल की बात कर रही हूँ, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है. टाइम तो सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है, कभी 12 किलोमीटर, कभी 13 किलोमीटर, कभी 15 किलोमीटर, ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन अनइक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. If on the other hand, a moving body covers equal distance in equal interval of time, और अगर एक body equal distance equal interval of time में cover करती है, तब हम उस motion को uniform motion बोलते हैं, और हमारी speed उस time कहलाती है uniform speed, ठीक है. अगर पहले एक घंटे में 15 किलोमीटर किया, दूसरे में भी 15 किलोमीटर, तीसरे में भी 15 किलोमीटर, चौथे घंटे में भी 15 किलोमीटर, मतलब इन एवरी आर द कार इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, द मीन्स द कार इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस. अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड.
ठीक है। और अगर हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर। इफ ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन नीदर इट्स स्पीड नोर इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस विद द टाइम। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो ना तो उसकी स्पीड बदलती है ना ही उसकी डायरेक्शन बदलती है। सिर्फ तभी हम उसको कह सकते हैं द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन एंड इट मीन्स दैट द बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड। कॉन्स्टेंट स्पीड का मतलब यह है कि अगर 15 किलोमीटर पर आर है तो 15 किलोमीटर पर आर पे ही बॉडी जा रही है, मतलब एक घंटे में हर घंटे में वो 15 किलोमीटर डिस्टेंस ही कवर कर रही है और स्ट्रेट लाइन पे जा रही है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। देन ओनली वी कैन से दैट द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। इन एवरीडे लाइफ वी सेल्डम फाइंड ऑब्जेक्ट्स विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मोस्ट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट्स दैट वी ऑब्जर्व अराउंड अस आर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो ऐसा बहुत कम होता है कि एक बॉडी रेगुलरली जो है वो कॉन्स्टेंट स्पीड पे मूव करती रहे, ठीक है। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो रेगुलरली जो है वो कॉन्स्टेंट स्पीड पे मूव करती रहे, ठीक। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो भी हमारे अराउंड है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही कॉज करते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आप कार पे जा रहे हो या साइकिल पे भी इवन जा रहे हो तो क्या होगा, कभी क्राउडेड प्लेस पे जाओगे, कभी बिल्कुल ओपन स्ट्रेट रोड होगी जिसमें कोई ज़्यादा क्राउड नहीं है, ठीक है, कभी कहीं। तो इस तरह से हमारी स्पीड जो होती है वो कम या ज़्यादा होती रहती है, ठीक है। हम बहुत कम ही ऐसा हो पाता है कि कॉन्स्टेंट स्पीड जो है वो लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम तक कंटिन्यू रहे। मेजरमेंट ऑफ टाइम। नाउ हाउ टू मेजर टाइम। वी ऑल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। यू ऑलवेज ट्राई टू रीच यूर स्कूल ऑन टाइम। इफ यू आर लेट यू मे बी पनिश्ड। इफ यू गेट लेट टू रेलवे स्टेशन यू मे मिस द ट्रेन। देखो टाइम की इम्पोर्टेंस तो सबको ही पता है। अगर आपको स्कूल टाइम पे नहीं पहुँचते हो तो आपको डांट पड़ती है ना, या आपको बाहर कर दिया जाता है, तो इस तरह से आपको पनिशमेंट मिलती है। तो इसी तरह से अगर आप रेलवे स्टेशन लेट पहुँचे हो तो आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी। तो नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू नो हाउ टाइम इज मेजर्ड। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू नो हाउ टाइम इज मेजर्ड। मतलब समय को हमने कैसे मेजर करना है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। टाइम कैन बी डिफाइंड एज द पीरियड बिटवीन द टू इवेंट्स। टाइम जो है वो हमारा, टाइम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द पीरियड बिटवीन द टू इवेंट्स। टू इवेंट्स के बीच में हमारा कितना टाइम लगा, ठीक है, कितना पीरियड लगा, ठीक है, दैट इज टाइम। टाइम कैन, जैसे अब आपका एक पीरियड होता है 45 मिनट्स का, तो वो ओवर होता है, 45 मिनट्स कंज्यूम होते हैं तभी तो दूसरा पीरियड स्टार्ट होता है ना, उसके बाद 45 मिनट्स के बाद तीसरा पीरियड स्टार्ट होता है। तो ईच पीरियड जो होता है वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे हो या ना हो, लेकिन स्टिल आप घड़ी देखते हो ना कि ये पीरियड तो 35 मिनट का था तो अभी बेल नहीं हुई मेरी। तो इस तरह से हमें जो है वो टाइम की इम्पोर्टेंस की वजह से टाइम को मेज़र करना बहुत ज़रूरी है। देयरफॉर इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज द इवेंट ऑफ फिनोमिना विच रिपीटेड रेगुलरली टू मेज़र द टाइम। तो पहले के लोग टाइम को मेज़र करने के लिए क्या करते थे, वो उस फिनोमिना को चुनते थे जो हर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता है, ठीक है। एनी फिनोमिना, एनी इवेंट ऑफ फिनोमिना दैट इज़ रिपीटेड एवरी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम टू मेज़र द टाइम। मतलब मेज़र, टाइम को मेज़र करने के लिए वो एक ऐसे फिनोमिना को चूज़ करते थे जो रिपीट हो और रेगुलरली रिपीट हो। हाउ, ये मैं अब आपको बताऊँ। Our ancestors noticed that many events in nature repeat themselves after definite intervals of time. For example, they found that the sun rises every day in the morning. The time taken between one sunrise and the next sunrise was called a day. अब हमारे ancestors ने क्या नोटिस किया कि nature के अंदर ऐसे बहुत सारे events हैं जो अपने आप को definite interval of time के बाद repeat कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या फाइंड किया कि सन जो है वो हर दिन निकलता है मॉर्निंग में, और टाइम बिटवीन द वन सनराइज एंड द नेक्स्ट सनराइज इज कॉल्ड अ डे। एक सनराइज से दूसरे सनराइज के बीच के टाइम पीरियड को उन्होंने एक दिन कंसीडर कर लिया।
मतलब आज सुबह सूरज निकला, उसके बाद अगले दिन फिर निकलेगा, तो वो पूरा क्या हो गया, एक दिन कंसीडर हो गया। आज हमारे लिए ये चीज़ बहुत ही कॉमन है, लेकिन पहले तो किसी ने ऑब्जर्व किया था, तभी तो उसका नाम ए वन डे रखा ना। सिमिलरली ए मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून डे टू द नेक्स्ट। अ ईयर वॉज फिक्स एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कम्प्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन। ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन अ डे। इसी तरह से अगर हम देखें कि वन मंथ कब होता है, जब हमारा वन न्यू मून डे से नेक्स्ट मून न्यू मून होता है, मतलब पूरे हमारा पूरा चांद का निकल जाना, ठीक है ना। हमारा चांद जब पूरा निकलता है, ठीक है, कंप्लीट होता है, तो हम उसे क्या मानते हैं, जिस दिन हमारा पूरा चंद्रमा होता है हम उसको क्या कहते हैं, न्यू मून डे बोलते हैं ना। तो एक महीने के अंदर वन मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू नेक्स्ट न्यू मून, ठीक है। तो उन्होंने जिस दिन पूरा चांद निकला, उसके बाद अगली बार जब पूरा चांद निकला तो उसको एक महीना माना, वन मंथ। एक साल की बात करें तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड रेवोल्यूशन कोज कर रही है, तो अर्थ अपना रेवोल्यूशन कोज करने में जितना टाइम लगाती है अराउंड द सन, दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ईयर, ठीक है। आज भी ये डेज वैसे ही हमारे लिए, आज भी ये चीज़ें हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट है जो हमारे एंसेस्टर्स ने ऑब्जर्व की थी। ऑफन वी नीड टू मेजर द इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन अ डे। लेकिन अब बात ये उठती थी कि अगर एक दिन से भी कोई छोटी चीज है, छोटा इंटरवल ऑफ टाइम है, तो उसे कैसे मेजर किया जाए। दीज टाइम इंटरवल्स हाउएवर कुड नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। दीज टाइम इंटरवल्स आर लॉन्ग। दीज टाइम इंटरवल्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बेस्ड ऑन द अबव एशियंट पीपल डेवलप्ड डिवाइसेस सच एज सन डायल, सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक एक्सेट्रा फॉर मेजरिंग द टाइम। अब अगर हम इन टाइम इंटरवल्स की बात करें तो इन्हें स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम तो नहीं माना जा सकता था ना, पूरा एक दिन, पूरा एक महीना, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम है। फिर जगह के हिसाब से और टाइम के हिसाब से ये चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि आप भी देखते हो विंटर्स होती हैं तो डेज छोटे हो जाते हैं, समर्स होते हैं तो डेज लॉन्गर हो जाते हैं। तो ये टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस चीज़ें चेंज हो रही थी। अमेरिका में हो सकता है कि टाइम कोई और हो, मतलब सन पता नहीं निकला है या नहीं निकला, हमारे यहाँ सन निकल चुका है। तो इस तरह से अलग अलग प्लेसेस के हिसाब से जो है वो टाइम इंटरवल, इनको चूज़ कर, मतलब इन टाइम इंटरवल्स को स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम मानकर नहीं चला जा सकता था। तो इसी वजह से एंशियंट मैन ने भी कुछ डिवाइसेस डेवलप किए टू मेजर द टाइम, सन डायल, सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक एक्सेट्रा फॉर मेजरिंग द टाइम। और इन डिवाइसेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में आप रीड करेंगे। टुडेज़ लेक्चर इज ओवर, यू हैव टू लिसन द लेक्चर 2-3 टाइम्स एंड प्रिपेयर योर नोट्स। ओके, थैंक यू।